नहीं लिया नहीं मैं टिकटॉक मादर चोद तुम मेरी कितनी वीडियो डिलीट कर नो 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 हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ आपसे अभी जैसे बहुत ज़्यादा वीडियो चल रही है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक तो बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यार यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जो अभी हमारे इधर चल रहा है ज़्यादातर तो उसमें सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि यार जो टिकटॉकर्स होते हैं जो बेकार वीडियो बनाते हैं जिनमें कोई टैलेंट नहीं है तो वो लाखों लाइक और मिलियंस में लाइक लेके जाते हैं तो यार ये कौन सी चीज़ है मतलब जो टैलेंट है तो उसको लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो बेकार का कंटेंट है जो फालतू कंटेंट है लोग उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जैसे अभी भाई ने कैरी मराठी भाई ने अभी रोस्ट किया था टिकटॉक के ऊपर तो उसमें 10 मिलियन लाइक पार कर दिए दोस्तों ने भाई तो कैसे हैं आप लोग बहुत बुरे हैं हम लोग भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगी 10 मिलियन लाइक से ज्यादा हो गए उनके तो आप देख सकते हैं एक इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ा है हमने 10 मिलियन लाइक वो भी किसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के तो दोस्तों बस टिकटॉक पे यही सबसे बेकार बात है कि जो टैलेंट होता है तो उसको बढ़ावा नहीं देते हैं उतना ज्यादा लेकिन जो फालतू के कंटेंट होते हैं जैसे आप देखा होगा कि बहुत लोग मतलब बेकार आवाज में गाने गाते हैं और बहुत लोग मतलब 2-3 कपड़े चेंज कर देते हैं तो उसमें उनके लाखों में मिलियंस में लाइक चले जाते हैं लेकिन ये कोई टैलेंट नहीं होता है दोस्तों असली टैलेंट वो होता है जो हम यूट्यूबर करते हैं यूट्यूब पे दोस्तों कभी भी एक वीडियो बनाने में आपको एक हफ्ते से कम टाइम नहीं लगेगा जो अच्छे क्रिएटर होंगे जो मतलब वैसी वीडियो बनाते होंगे जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उनको एक हफ्ते लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों कंप्लीट करने में और जो टिकटॉकर्स होते हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है वो 10 से 20 सेकंड के अंदर एक वीडियो बना के डाल देते हैं जिनके लाखों में मिलियन में लाइक आ जाते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता दोस्तों क्योंकि उनमें कोई टैलेंट नहीं है लेकिन पता नहीं वो कौन सी पब्लिक है जो मतलब ऐसे कंटेंट को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और जो टैलेंट होता है हमारा वो नीचे दबा रह जाता है दोस्तों तो ये गलत बात है ये सरासर गलत बात है दोस्तों क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जो टैलेंट होता है उसको ऊपर आना चाहिए लेकिन वो टैलेंट नहीं ऊपर आ सकता है और जो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये इस पर अगर कोई दिल से मेहनत करता है और दिल से एक अच्छे कंटेंट लाता है तो 100% आज नहीं तो कल वो सफल हो ही जाता है लेकिन TikTok दोस्तों ऐसा कंटेंट है जिसमें कंटेंट पे कंटेंट हम डाल रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है लेकिन जो टिकटॉकर्स और जो होते हैं जो बेकार का कंटेंट बनाते हैं जो फालतू कंटेंट बनाते हैं वो लाखों में लाइक लेके जाते हैं तो यार ये कौन सी चीज़ है बल्कि जो टैलेंट है उसको आगे जाना चाहिए लेकिन जो टैलेंट है वो पीछे जा रहा है जो और हम कुछ टैलेंट के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो टिकटॉक के हमारे टैलेंटेड लोग हैं आप देख सकते हैं ये है टिकटॉक का टैलेंट दोस्तों वीडियो देखिए सन्नी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ गाइस मुझे आज 3-4 दिन से अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है तो अचार तो खा रहा हूँ मैं यम्मी पता नहीं अचार क्यों खाने का मन कर रहा है आजकल 3-4 दिन से खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है लात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चूली से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं लगती गुलगत मुझसे शादी करोगी आला वाला गेला वाला उलट गेला खलवा आला वारा गेला वारा वाहुन गेला खड़वा अरे पानी अड़वा अरे पानी जिरवा अरे पानी अड़वा पानी जिरवा पानी अड़वा पानी जिरवा देखा आपने टिकटॉक का टैलेंट कितना ज्यादा इनमें टैलेंट है और ये इस चीज को ये टैलेंट बोलते हैं दोस्तों आप खुद बताइए इनमें कौन सा टैलेंट है इनमें कौन सा टैलेंट है घंटा बस इस चीज से साफ साफ प्रूफ होता है कि यूट्यूब सबका बाप है ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म गलत है कौन सही है सीधी बात है यूट्यूब सबका बाप है और क्योंकि उसमें दोस्तों जब आप वीडियो बनाओगे ना तब आपको पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है एक यूट्यूबर को मेहनत लगती है पहले तो शूट करना पड़ेगा 3 से 4 दिन में उनका शूट होता है दोस्तों फिर उसके बाद 3 से 4 दिन एडिटिंग में उसके बाद दोस्तों जब वीडियो अपलोड होती है तो टैग लगाना डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा A to Z उनको हर चीज़ एक एक चीज़ देखनी पड़ती है लेकिन जो टिकटॉकर्स होते हैं मोबाइल लिया मुँह उठा के वीडियो बना दी 4 से 5 सेकंड की 10 सेकंड की 15 सेकंड की कोई मतलब नहीं निकलता है बिना टैलेंट की और व्यू मिलियन में लाइक मिलियन में और जो मेहनत करते हैं वो बेचारे मेहनत करते रह जाते हैं यार ये कौन सी चीज़ है तुम्हारी अब बहुत सारे टिकटॉक स्टार हैं जो आज अपने आप को स्टार समझ रहे हैं जो पॉपुलर क्रिएटर लेके अपने आप को बड़ा महान बता रहे हैं तो दोस्तों कैरी मराठी है उसके टिकटॉक पे जाके देखना एक गधे की वीडियो डाली है उसने एक गधे की वीडियो पॉपुलर क्रिएटर मिल गया इतनी बड़ी चीज है दोस्तों आप देख सकते हैं यार जो टैलेंट हो उसको आगे लेके जाओ कोई भी प्लेटफॉर्म हो जरूरी नहीं कि जो फालतू की वीडियो बना रहे हैं आप उनके ऊपर वो चीज़ करो तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ दोस्तों यही मतलब है कि यार टैलेंट को आगे बढ़ाओ और टिकटॉक मैं क्या बोलूँ यार इसके बारे में लोग साड़ियाँ पहनते हैं चूड़ियाँ पहनते हैं यार कोई बात नहीं चमचम नहीं मारेगी आज चल फिर पिटो
अरे हम दुनिया मादर चोद थी, मादर चोद है, मादर चोद रहेगी। वैसे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों, तो ऐसे ऐसे काम करके लोग लाइक ले जाते हैं, तो यार ये कौन सा तुम्हारा टैलेंट है? ये तुम्हारा रियलिटी टैलेंट है, तो यार उसको जाके कहीं और दिखाओ यार। अब मैं मानता हूँ दिखा रहा हूँ, लेकिन यार पब्लिक भी उस चीज को लाइक करे, उस चीज को फॉलो करे जो यार रियल में मेहनत कर रहे हैं, जो रियल में टैलेंटेड रखने वाले लोग हैं, उनको आप आगे लेके जाओ। बल्कि आप उनको आगे लेके जा रहे हो जो दो मिनट में ऐसे कपड़े चेंज कर देते हैं। मतलब यार ये कौन सी बकचोदी मचा के रखी है? सीधी बात ये है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग चूतियाँ हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वे लोग भी चूतियाँ हैं जो ऐसे कंटेंट ला रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए टिकटॉक की इतनी ज़्यादा बुराई हो रही है। और टिकटॉक का जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना दोस्तों कैरी मिनाटी ने, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी फेस वैल्यू से तोड़ा है रिकॉर्ड। तो यार ऐसी बात है, जब से तुम पैदा नहीं हुए थे, जब से तुम टिकटॉक पर नहीं आए थे ना, तब से भाई स्टार बन चुका था हमारे यूट्यूब का, और तुम लोग जानते तक नहीं थे यूट्यूब और टिकटॉक है क्या दोस्तों। और रही बात दोस्तों टिकटॉक पे काम करने की, तो यार ये चाइना का एक ऐप है, और चाइना का ऐप है जिससे हमारी इंडिया की आपस में होती रहती है, आपको पता है दोस्तों, आप सब समझते हो। तो यार यही बात है ना दोस्तों, टैलेंट को आगे लेके जाओ यार। ये कौन सी बात है कि आप लोग बेकार का कंटेंट ला रहे हो यार, किसी को भी स्टार बना रहे हो? नहीं, सरासर गलत है। तो दोस्तों सीधी बात है, ये है मुद्दे की बात, ये है टिकटॉक घंटा है और यूट्यूब बाप है सबका, समझे आप? और पैसों की रही बात, तो यूट्यूब पे जो मेहनत करते हैं, जिनके अच्छे व्यूज आते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे क्रिएटर हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जितना टिकटॉक वालों को एक महीने में भी नसीब नहीं होता, वो एक वीडियो का कमा के ले जाते हैं, समझे? तो सालो चूतियों, थोड़ा यहाँ पे कुछ भर लो दिमाग में अपने, हमेशा गोबर भर के चलोगे तो यार कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर मुद्दे की बात, यार टैलेंट को सपोर्ट करो। और मेरा कोई किसी से खास बातचीत है नहीं, ना किसी से बुराई है जो मैं किसी के बारे में बोलूं, तो बस यही मतलब है दोस्तों, यार टैलेंट को सपोर्ट करो और टैलेंट को आगे लेके जाओ, ना कि उन लोगों के आगे लेके जाओ जो इस चीज़ का डिजर्व नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है बहुत लोग गरीब होते हैं, हर चीज़ होते हैं, सबको यार आगे लेके जाओ। बट बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। आगे से हम लोग इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू।